फ्रेंड्स, आज है मेरे किचन में एक नया एडिशन और ये है अगारो का क्रिस्टल फ्रेंच प्रेस कॉफी मेकर। तो आज हम इसका करेंगे रिव्यू और साथ ही हम इसमें बनाएंगे बहुत ही बढ़िया सी कॉफी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे ऑर्डर करते हैं अमेज़न से तो ये इस तरीके की पैकिंग में मिलता है। इसके ऊपर एक और बॉक्स था जिसे मैंने हटा दिया है। तो इस तरीके का ये आपको क्रिस्टल फ्रेंच प्रेस कॉफी मेकर मिलता है। बेस्ट ऑप्शन है ये कॉफी और टी लवर्स के लिए। तो चलिए इसका डिजाइन देख लेते हैं। कुछ इस तरीके की कॉम्पैक्ट सी डिजाइन के साथ आपको ये मिलता है। 600 ml की कैपेसिटी के साथ ये कॉफी मेकर आता है। इस तरीके की एक मैनुअल बुक दी गई है जिसे देखकर आप इसे किस तरीके से यूज करें समझ सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो इसमें दिया गया है 4 लेवल का फिल्टर सिस्टम, जिसकी वजह से जो आपकी कॉफी है उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लेवर्स मिलते हैं। कॉफी मेकर की जो बॉडी बनाई गई है वो बनाई गई है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के साथ। और यहाँ पर इसके साथ आपको मिल जाते हैं 2 एक्स्ट्रा इस तरीके के रिप्लेसमेंट मैश फिल्टर। इसका जो ये ग्लास है ये बनाया गया हीट रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास के साथ। अगर आप देखें तो इसका लुक काफी प्यारा सा और काफी अच्छी क्वालिटी का ये हमें इसमें इस तरीके का मिल जाता है। इस तरीके से आप इसे निकाल भी सकते हैं और इसे फिर आप इसमें फिट कर सकते हैं जब भी आपको कॉफी बनानी है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें हम ये बढ़िया सी फ्रेंच प्रेस कॉफी कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड के साथ हम इसे बनाएंगे। इस कॉफी मेकर में आप 600 ml तक कॉफी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे ओपन कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। और अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कॉफी। तो यहाँ पर मैं 2 कप कॉफी बना रही हूँ, इसके लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कॉफी डाल दी है। अगर थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग पसंद करते हैं कॉफी तो आप यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डालनी है यहाँ पर कॉफी, और कॉफी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर गर्म पानी, यानी कि हॉट वाटर का हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें लगभग 400 ml के जितना वाटर डाल दिया है, यानी कि पानी डाल दिया है। और अब हम इसे इस तरीके से यहाँ पे इस पर फिट कर देंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, इसे ओवरफिल भी ना करें ताकि इसमें से कुछ भी लीकेज ना हो। तो इस तरीके से इसे फिट करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से हम इसे धीरे धीरे से प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे हम इसे, और यहाँ पर इस तरीके से हमारी बहुत ही झटपट से ये बहुत ही बढ़िया सी कॉफी बनके तैयार हो जाएगी सारे फ्लेवर्स के साथ। 4 लेवल फिल्टर सिस्टम की वजह से आपको सारे फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आपकी कॉफी में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से चलिए, हमारी कॉफी तो तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 2 कप कॉफी बना ली है और आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार हमारी कॉफी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। तो इस तरीके से इस कॉफी मेकर का यूज करके आप ये फ्रेंच प्रेस कॉफी बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जरूर से चेक कर सकते हैं। कॉफी और टी लवर के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, तो जरूर आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक जरूर कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।